घर के अंदर बंद कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर किशोरी ने की आत्महत्या। कुदरा थाना क्षेत्र के सकरी गांव में घर के अंदर बंद कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक बताया गया कि कुदरा थाना क्षेत्र के सरकारी गांव निवासी गणेश शाह की 14 वर्षीय पुत्री प्रिया कुमारी बताई जाती है। लड़की के पिता गणेश शाह ने बताया कि लड़की डिप्रेशन में आकर साड़ी का फंदा बनाकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। आगे उन्होंने बताया कि लड़की के बड़े पापा संतोष शाह एवं उनकी पत्नी सुनीता देवी द्वारा बुधवार को घर से बाहर नल पर पानी भरने को लेकर मेरी पुत्री प्रिया कुमारी से लड़ाई झगड़ा कर उसे मार दिए थे। उसके बाद स्वर्गीय रमेश सिंह के पुत्र अनीश कुमार एवं मनीष कुमार भी लड़की के साथ मारपीट और बोलबाजी कर दिए थे और इससे पहले भी मेरे घर पर गैर मौजूदगी में लड़की के साथ दूसरे पक्ष द्वारा टॉर्चर करते रहा जाता था। वहीं कल बुधवार को नल पर पानी भरने को लेकर झगड़ा तो हुआ, लेकिन रात को लड़की अपने घर के अंदर बंद कमरे में सोई और उसके मन में क्या हुआ जो अचानक साड़ी का फंदा बनाई और पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बड़की मम्मी और बड़का पापा की वजह से। अच्छा, झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था, रात को जो है पानी भर रही थी बाल्टी में। अभी बाल्टी में पानी भरा था नहीं, तो जो हुआ करके हटा कर भरने लगी तो बच्ची अच्छा, बोली कि क्यों घर से बाहर भर रही थी नल से हाँ। तो बोली कि क्यों हटा दिए, हम भर लेंगे तो नहीं भरेगी हाँ। तो उसी पर कह रहे हैं कि ना छोटा उसको पकड़ करके मारने लगे हाँ। हाँ। कौन कौन मारने लगे? उनकी बड़की मम्मी हाँ। संतोष भी थे। उसके बाद में फोन करके गाँव पर से रेशमा को बुलाया गया, अपने दो बच्चों को बुलाए वहाँ से। फिर झगड़ा का लहुला कि उन लोग के फोन करके बुलाएंगे तो झगड़ा करना पड़ेगा, हम लोग रात के नहीं आए इसलिए जो है। तो लड़की को भी मारपीट कर दिया था? हाँ, मारपीट झोंटा वोटा भर करके मैंने उसको मारी थी। अब बच्ची जात हमसे बताई नहीं कि जो है मारपीट हुआ था कि आएंगे, तो मैंने फोन डिप्रेशन में मन की वजह से जो है लड़की डिप्रेशन में आ गई थी। बार बार हमेशा इनके साथ यही सब ये लोग करती रहती है। 12 बीघा खेत का अनाज हमें भी नहीं मिल रहा है। खेत में 3-4 वो किराएदार है हमारे रूम में कुदरा, वहाँ पर किराया मिलता है 7-8 हज़ार रुपया, वो भी हमें नहीं मिलता है। हम अपने स्वयं कमाते हैं, खाते हैं, गमती घर का अनाज हम एक। अच्छा, तो उस समय लड़की से मारपीट हुआ था हाँ, तो उसी डिप्रेशन में आकर लड़की जो है आदमी क्या चीज़ से फांसी फंदा लगाई थी? हाँसी के फंदा साड़ी से लगाई थी, पंखा में लटक कर। हाँ, घर पर उस समय कोई नहीं था? ना सर, हम कल वो हमारे साले साहब के लड़का का लड़की देखना जाना था, तो हम कल 12 बजे ससुराल तो साड़ी के फंदे से लगा के लटक गई हाँ। तो कैसे फिर पता चला आप लोग? जब हम वहाँ से आए तो मैंने हमारे छोटी बच्ची फ़ोन की कि नहीं पापा, दीदी जो है सब रात के सूती है, अभी 7-8 बज गया, अभी जगी नहीं है। तो हम बोले कि बेटा अच्छा ठीक है, तबीयत का सुस्त होगा तो अभी थोड़ा देर में जगेगी, परसों उसका तबियत खराब था। दरवाज़ा खोले तो हम सासाराम से आए तो हम भी पूरा खोले, तो नहीं खोली तब हम लात ले मार करके दरवाज़ा को तोड़े हम उसको, तो वही लटकी हुई थी फांसी। हाँ, फांसी पर लटकी हुई, वही पर आत्महत्या कर ली है हाँ। क्या नाम था लड़की का? प्रिया कुमारी। आपका क्या नाम है? गणेश शाह। अच्छा, आप उसके पिताजी हैं हाँ। कैमो न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।